नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने में पत्ते निकालने के फायदे और नुकसान, और जो हमारे गन्ने के नए नए कल्ले होते हैं, नए नए पेड़ जो निकलते हैं, वो सूखने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए विस्तार से इस बारे में जानते हैं कि हाँ कैसे हम अपने गन्ने को रोग मुक्त करें। तो देखिए कहाँ तक पत्ते निकालने इस गन्ने से, इसकी विधि मैं बता रहा हूँ। तो ये गन्ने के पत्ते जो सूख गए हैं, जो गन्ने से अलग हो गए हैं, वो दिख रहा होगा आपको। मैंने वीडियो में दिखाने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश की है कि कैसे हम इसे आसान तरीके से निकालें। तो हमें यहाँ तक निकालना है पत्ता जहाँ तक कि गन्ने से पत्ते अलग हो गए हैं, उन सारे पत्ते को निकाल देना है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर काले काले हो गए, इसमें चींटी लगने शुरू हो गए। हमें इससे बचाने के लिए इसमें कौन सी दवा का छिड़काव करना है जिससे कि ये चींटियाँ ख़त्म हो जाए और हमारे कल्ले जो भी गन्ने के नए नए पौधे निकले वो कैसे ग्रो करें, कैसे बढ़े। तो आइए हम इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके वॉल तक पहुँचती रहेगी और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक हम लाने की कोशिश करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि अच्छी जानकारी आपसे शेयर करें जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो चलिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पत्ते निकालने की विधि तो मैंने आपको बता दिया है कि कहे शुरू से लेके कहाँ तक पत्ते निकालने हैं। जैसे कि जो पत्ते हमारे गन्ने से अलग हो गए हैं, सूख गए हैं, उस पत्ते को निकालने हैं। अगर आप ताज़े पत्ते को निकालते हैं, जो पत्ते गन्ने में सटे हुए हैं, अच्छे से पकड़े हुए हैं, उसे निकालते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा, वो गन्ना ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वहाँ तक आप पत्ते को निकाल दें जो सूख गए हैं। दोस्तों अगर आपने ये पत्ते निकाल दिए हैं, आपका गन्ना अगर 8 से 10 फीट का हो गया है, तो इसकी बंदीकरण करा दें। जैसे कि बांधा जाता है तो आपको पता है, लेकिन 8 से 10 फीट का हो गया है तो अगर आप नहीं बांधते हैं तो गन्ने की गिरने की संभावना बनी रहती है जिससे कि आपको भारी नुकसान हो जाएगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हाँ गन्ने की बंधाई बहुत जल्द कर दें, क्योंकि अभी मौसम कितना चल रहा है, बारिश और तेज़ हवा, तो अगर हवा का असर ज़्यादा हो गया और गन्ने गिर गए तो आपको मालूम है कि हाँ कैसे उसमें अधिक नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप गन्ने की बंधीकरण करा दें, और इसकी बंधीकरण वहीं तक कराना है जहाँ तक कि आपने पत्ते निकाल दिए इस गन्ने से। अगर आपने पत्ते के पास बांध दिया जहाँ पे पत्ते हैं इस गन्ने के, तो वो नुकसानदेह होगा। अब पत्ते जहाँ तक नहीं है वहीं तक का बंदीकरण कराएं, इससे की होगा आपका गन्ना सुरक्षित होगा और अच्छा ग्रो करेगा। दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या खाद दें जिससे कि ये चींटी लगे हैं वो ख़त्म हो जाए और इस नुकसान इसके जो भी चींटी का असर है ये ख़त्म हो जाए, और चींटी से हमारे जो कल्ले निकलते हैं गन्ने में, नए नए पौधे निकलते हैं, इससे कैसे हम चींटियों से बचाएं। तो चलिए हम बात करते हैं कौन सा खाद का इस्तेमाल करें। तो इसमें देना है हमें सल्फर WDGA 90% से 80% तक देनी है, वर्टिगो और फटेरा दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 kg प्रति एकड़ में देनी है, इसका मात्रक करना है। उसके बाद आप एक बात को याद रख ले, क्योंकि आपने गन्ने में से पत्ते निकाल दिए तो उसका बंदीकरण करा दें, नहीं तो आपका गन्ना गिर गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय किसान, वंदे मातरम।